ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर कि पिछले वर्ष अलाइड सर्विसेज की कट ऑफ कितनी गई थी, इस वर्ष का अनुमान क्या होगा, और ये जो आपको राय दी जाएगी इसमें आपको विशेष तौर पर हमारी टीम का अनुभव झलकता हुआ दिखेगा। तो अनुभवी शिक्षकों की राय आपको सफलता दिला सकती है। अभी भी इस परीक्षा के लिए करीब एक हफ्ते का समय है। यदि आप अपनी तैयारी को सही दिशा में डायरेक्ट करें, सही चीज़ों का बार बार रिवाइज करें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ज़्यादा परेशानी होगी इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट elastudyco.in पर भी बने रहें, बहुत ही उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री इस वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, सकारात्मक सोच को बनाए रखें, नेगेटिविटीज़ को नहीं बढ़ाना है आगे। रिवीजन पर ध्यान केंद्रित करें, जितने भी टॉपर्स के आप इंटरव्यू सुन ले, हमारे पीछे के जितने वीडियो सुन ले, आपको बार बार ये डायरेक्शन दी जा रही है कि लास्ट के 15 डेज या 7 डेज जितने भी आपके पास अभी रहते हैं इस परीक्षा के लिए, आप रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करना है। स्टैटिक जीके को आपने बहुत सॉलिड अच्छे से उसको पढ़ लेना है, और जो करंट फिर आप पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके के साथ में उसको इंटरलेट करते रहें। पुराने प्रश्न पत्रों का अच्छे से अध्ययन करें। मैं तो आपको पहले वीडियो से लेके अंतिम वीडियो तक यही बोलता हूँ, किसी भी परीक्षा की तैयारी करवा रहा हूँ, कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर ही हमारे पास एक सोर्स होता है परीक्षा के स्तर को जांचने का, किस तरह का पैटर्न है, कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, एग्जामिनर कहाँ से क्या पूछ रहा है, क्लियर। तो ये आपको पुराने प्रश्न पत्रों का अच्छे से अध्ययन करना है। और सबसे बड़ी बात है आज की डेट में भ्रमित सूचनाओं से बचना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये पढ़ने से इम्पोर्टेंट थिंग आज की डेट में बन चुकी है। यदि आपको मैं उदाहरण दूँ, आप YouTube पे देख लें या सोशल मीडिया के ऊपर देख लें, WhatsApp ग्रुप्स बने हुए हैं, या आप Facebook के ऊपर देख लें तो विभिन्न तरह के पेजेस बने हुए, इतनी ज़्यादा अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो गई है कि हम भ्रमित हो रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें। तो स्टूडेंट्स, से भी आपको निर्णय लेना है। मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो बनाया कि कौन कौन सी किताबों के ऊपर आप जाएँ, उन किताबों में सफलता दिलाने का दम है। और करंट अफेयर्स को तवज्जो दें। स्टूडेंट्स, सलाइड की सर्विसेज में करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो आप उसको तवज्जो दें, चाहे प्रिलिमरी की बात करें या मेन की बात करें। इन चीज़ों को यदि आप अमल में लाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं 2018 में कितनी सीट्स थी, सारी 86 सीट्स थी, और अभी जो परीक्षा 2019 में होने जा रही है इसमें 29 सीट्स है। बहुत ज़्यादा फर्क है यहाँ पे पोस्टों का, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक सकारात्मक, देखिए कहीं से भी नकारात्मक चीज़ों को नहीं खोजना है। बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इस बार तो पोस्ट ही कम है, मेरा नंबर नहीं आएगा, वो नेगेटिविटी है यार। आपको एक सीट चाहिए ना, तो आप डजेंट मैटर, आप 86 कभी जो आपने पढ़ा है उसी में से पेपर आ जाए, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बीट कर पाएगा। कई बार ऐसा होता है आप जितना मर्जी पढ़ ले उसमें से आप पेपर में कुछ भी नहीं आता है, तो चाहे पोस्टें हज़ारों के हिसाब से हो, आपको एक सीट भी नहीं मिलेगी। इन पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर आप बात करते रहे, अपने आप को पॉजिटिव रखे, सकारात्मक सोच से ही आगे बढ़े। स्टूडेंट्स, 86 और 29 में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन 100 सकारात्मक चीज़ हमें मिली है। पिछले वर्ष 86 पोस्टें भरी ही नहीं गई है। क्यों नहीं भरी गई है, क्योंकि मेन की परीक्षा का स्तर थोड़ा सा हाई लेवल का आ गया था, तो जो हमारे अभ्यर्थी जिन्होंने यहाँ से भरा हुआ था वो मेन को ही क्वालिफाई नहीं कर पाया, जो मिनिमम मार्क्स वहाँ पे चाहिए थे उनको ही प्राप्त करने में असफल हो गए थे। देखिए कोई फ़ायदा नहीं, यदि आपने प्रिलिमरी भी कर दिया, मेन में आपको कोई आइडिया ही नहीं हुआ, तो मेरी तो आपको इस यूट्यूब चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखें हमारे, ऐसे हर कंटेंट्स को मेरी कोशिश रहती है आपके स्टैटिक जीके के साथ में जोड़ूँ या मेन की परीक्षा के साथ में जोड़ूँ, ताकि ये तैयारियाँ आपकी साथ साथ में ही होती रहे। तो स्टूडेंट्स, मेन परीक्षा के लिए जो आपकी सिलेक्शन होगी वो 20 पर कैंडिडेट से लेते हैं एक सीट के ऊपर, मतलब यहाँ पे टोटल सारी कैटेगरीज को मिला के 29 सीट्स है, मल्टीप्लाई 20 आप कर लें तो इतनों की सिलेक्शन होगी मेन के लिए, मतलब कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है। प्रीलिमरी की बात करें, आपको बहुत बड़ी एक क्राउड को बीट करके आगे निकलना है। और स्टूडेंट्स, यू आर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें, तो इस वर्ष 13 पोस्टें हैं इसके लिए, और लास्ट ईयर 34 पोस्टें थी। यदि अदर्स की बात करें तो 16 इस वर्ष है और पिछले वर्ष 52 थी, काफ़ी फ़र्क है इसमें। अब आपको कट ऑफ के ऊपर ले चलता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा क्या अनुमान है हमारी टीम का इस बार कितने कट ऑफ जा सकती है इस परीक्षा की। देखिए जनरल की पिछली बार 108 गई थी, और एसटी की बात करें 102 गई थी, एससी की बात करें 85 गई थी, ओबीसी की 92 गई थी, ठीक है, मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध थी इसके संदर्भ में। तो स्टूडेंट्स,
मैं पिछले प्रश्न 3 वर्षों के प्रश्न पत्र सॉल्व किए एक एक प्रश्न से परिचित हूँ। उससे पहले भी जो सबॉर्डिनेट कनेक्ट करता था उसका भी 3-4 वर्षों का अच्छा अनुभव है, सजग अनुभव है। तो उस अनुभव के आधार पर यदि मैं बात करूँ तो जब से ये परीक्षा परिवर्तित हुई है सबॉर्डिनेट हमीरपुर से HPPSC शिमला के लिए, तब से इस परीक्षा का जो स्तर है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। इसीलिए जो पिछले प्रश्न पत्र थे, पुराने प्रश्न पत्र थे, उनका वेटेज खत्म हो गया क्योंकि वो परीक्षा का पूरा स्तर ही बदल गया। तो HPPSC शिमला जब से इस परीक्षा को कनेक्ट कर रहा है वो 3 प्रश्न पत्र मैंने सॉल्व किए हैं अपनी टीम के साथ, और आपको उनकी PDF elastedico.in पर उपलब्ध करवाई गई है। महज छोटी सी कीमत उसकी ली जा रही है 120-150 रुपीज़, जबकि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी है और डिस्क्रिप्शन के साथ दिया गया है। यदि उन 3 वर्षों के क्वेश्चन पेपर को यदि आप लोग पढ़ लें तो आप लोग वहाँ पे पाएंगे कि 5 से 10% के आसपास वहाँ पे रिपीट प्रश्न हुए हैं, और जो हिमाचल के प्रश्न वहाँ पे पूछे गए उनका स्तर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है। आपको उसके लिए किसी एक किताब सफिशेंट नहीं है, एक या दो किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, और वर्ष भर के आपको हिमाचल प्रदेश के भी उत्कृष्ट करंट अफेयर पढ़ने हैं। उन करंट अफेयर्स को अपने मेन की तैयारी के साथ में इंटरलेट करना है, तभी बात बनने वाली है इस परीक्षा में। और स्टैंड्स पिछले वर्ष 108 जो जनरल कैटेगरी की गई थी इसको बहुत कम मेरिट माना जाएगा। इसका कारण क्या रहा था मैं आपको बताऊं, परीक्षा का जो स्तर सो काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था। अक्सर परीक्षा में सिलेबस में पूछा जाता है कि मॉडर्न को ही कवर करेंगे, यहाँ पे इन्होंने एनिसेंट और मेडिवल से भी एक दो दो प्रश्न डाल दिए थे, और करंट अफेयर्स का स्तर भी बहुत हाई लेवल का कर दिया गया था। यही कारण था कि इस परीक्षा की जो मेरिट थी वो 108 पे चली गई थी। अब सबसे बड़ा प्रश्न स्टूडेंट्स ये बनता है यहाँ पे कि इस वर्ष का क्या अनुमान होगा। पोस्टें कम है, नेगेटिविटीज़ दुनिया भर की आपको सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के बीच में भर दी गई है, ठीक है। तो पॉजिटिविटी यहाँ से निकलती है स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करेगा परीक्षा का स्तर कैसा है। यदि पेपर सिंपल आ गया पिछले 3 वर्षों के कंपैरिजन में तो मेरिट तो देखो आप आज की डेट में इस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी टीम हमारे ग्रुप में देख लीजिए आप लोग, तो मुझे लगता है मेरिट तो बहुत आगे चली जाएगी, ठीक है। यदि परीक्षा का स्तर इतना डिफिकल्ट आ जाता है तो हो सकता है इसके आसपास ही रहे या पीछे भी जा सकती है। तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी हम आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि इतनी मेरिट जाने की ये संभावना है, क्योंकि ऐसा अनुमान कोई नहीं लगा सकता जब तक परीक्षा के स्तर को हम लोग नहीं देख सकते। किस तरह का पेपर पूछा गया है, क्या पूरा सिलेबस टू सिलेबस पूछा गया है। बहुत से बच्चे सिलेबस टू सिलेबस ही स्टडी करते हैं और सफलता भी उन्हीं को मिलती है। आप HS टॉपर की बात सुन लेना कि जो उन्होंने गाइडलाइंस दिए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के, हर पल हर पार्ट में वही अनुभव झलकता है। आप किसी भी वीडियो को देख लें तो आप निरंतर तैयारी करते रहें। और स्टैंड्स परीक्षा के अंतिम क्षणों में नोट्स बहुत सहायक सिद्ध होते हैं, ओनली कंसाइज नोट्स। और यदि आपके पास एक कंसाइज नोट्स नहीं है तो स्टूडेंट्स आप हमारी वेबसाइट elastedico.in पे जाए, पिछले 1 वर्ष के कंसाइज नोट्स की फॉर्म में उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री से लेस करंट अफेयर्स वहाँ पे उपलब्ध है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर वहाँ पे उपलब्ध है। सरकार का आर्थिक हिमाचल प्रदेश सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट आया है उसकी PDF वहाँ पे उपलब्ध है। ये सारे सोर्स जो हम लोग आपको बता रहे हैं HS टॉपर श्री अपराजिता चंदेल जी, उनके जो हमने इंटरव्यू यूट्यूब के माध्यम से उनकी सुनी है, उन्होंने यही कहा है कि आप ऐसे नोट्स बनाए परीक्षा से 2 घंटे पहले भी आप उनका क्विक सर्विजन कर सकें, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि ऑथेंटिक सोर्सेज के ऊपर जाए, जैसे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का बजट है, आर्थिक सर्वे, इसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। मैं तो आपको बार बार यही चीज़ें बोल रहा हूँ कि हमारी टीम बहुत अनुभवी टीम है, HS क्वालिफाइड है 5 लोग इस टीम में, ठीक है। उसके अलावा भी छोटी परीक्षाएं तो आपको पता ही है सब ने क्वालिफाई की हुई है, तो हम आपको गलत राय नहीं देते हैं, अपने अनुभव के आधार पे ही आपकी मंजिल को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। और स्टूडेंट्स आगे की अध्ययन सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पे बने रहे elastedico.in पे, बहुत ही उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री इस वेबसाइट पे आप लोगों के लिए उपलब्ध है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।